हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है, करीब 6 बज रहा है और अभी मैं आ गई थी थोड़ा घूमते घूमते टहलने के लिए। मनीषा का ट्यूशन से भी छुट्टी होने वाला था तो मनीषा भी आ गई है ट्यूशन से। और आज मौसम ना बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा मतलब ठंडा ठंडा मौसम किया हुआ है और लग रहा है बारिश भी आएगा शायद। हाँ, बादल किया हुआ है तो ये है। और अभी डिग्गू ट्यूशन गया, डिग्गू का ट्यूशन से जो है छुट्टी नहीं हुआ है, मनीषा का हो गया है। गोलू ट्यूशन से पढ़ के जो है जा चुका है तो मैं आ जाती हूँ शाम के टाइम जो है ऐसे टहलते टहलते। थोड़ा सा दूरी पर है इसका जो ट्यूशन है, पैदल अगर जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा। और देख सकते हो मौसम कितना अच्छा किया हुआ है। और ना मैं आम का पेड़ दिखाती हूँ, इसमें कुछ दिन पहले ना बहुत सारे आम लगे हुए थे। ये वाला पेड़ ये देखिए, ये सामने से मैं आम दिखाती हूँ। इसमें फिर बच्चे ना खेलते रहते हैं तो बच्चे जो है तोड़ तोड़ के ले जा चुके हैं। दिख रहा होगा शायद, एक दो तो आम दिख रहे हैं। तो बारिश ना आ जाएगा क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्मी जैसा कभी कर रहा है, कभी जो है ठंडा ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पे घर आने के बाद ही जो है यहाँ पे मैं बना रही थी गुलाब जामुन। तो आज ना गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था तो वही मैं अभी बना रही थी। तो सबसे पहले अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे एक पतीला मैंने लिया है, इसमें पानी लिया है, पानी को गर्म कर लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी। तो मैं अभी चाशनी बना लेती हूँ। चीनी लगभग मैंने जो एक ढक्कन मैंने बड़ा वाला जो चीनी का डिब्बा का ढक्कन है ना, उसमें एक ढक्कन मैंने भर के चीनी लिया हुआ है। तो ये देखिए, इन दोनों को अभी मिला के अभी इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी और अच्छी तरह से पकाना है चाशनी जो है उसको। मतलब 10 मिनट करीब जो है चीनी डाल के इसको पकाना है। तो ये देखिए, मैं इसको ढक देती हूँ और छोड़ देती हूँ। और इधर मैंने तवा भी बिठा दिया है। तो मैं ना गुलाब जामुन बना रही हूँ सूजी के, और फर्स्ट टाइम ही मैं बना रही थी। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, मैंने घी डाल दिया है थोड़ा सा तवा में और उसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी दूध। तो लगभग 2 कटोरी मैं दूध डाल रही हूँ और जितना मुझे सूजी लेना है ना, 1 कटोरी सूजी, तो 2 कटोरी जो है मैं दूध डाल देती हूँ। तो ये देखिए, दूध को अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ 2 मिनट के करीब। इसके बाद जो है इसमें मैं डालूँगी सूजी। तो सूजी को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, नहीं तो अभी ये जो है एक ही बार डालने से ये सोख लेता है सूजी एक ही बार और अच्छी तरह से मिलता नहीं है। और सूजी में ना, जब भी आप हलवा वगैरह बनाते होंगे तो सूजी में क्या होता है, ज़्यादा दूध ज़्यादा पानी जो है सोख लेता है। तो ये देखिए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ही जो है ये सूजी को डालती हूँ और अच्छी तरह से मिलाते जा रही हूँ। और यहाँ पे अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे मेरा जो है थोड़ा सा दूध कम पड़ गया और सूजी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो दूध भी नहीं था। तो मैं क्या करी हूँ ना, इसको अच्छी तरह से इतना ही दूध में जो है मिला के मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए, अभी ये बन गया है। और इधर मेरा चाशनी जो है अच्छी तरह से मैं इसको भी 10 मिनट के करीब बॉयल कर चुकी हूँ। अब मैं इसको ढक के और गैस को जो है चाशनी वाला बंद कर देती हूँ। और इधर ये वाला सूजी का ये भी मेरा बन गया है तो इसको भी बंद कर देती हूँ। और थोड़ा सा देर जो है इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ। और ठंडा करने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल के और जितना आप इसमें हाथ लगा सको उसके बाद जो है इसको गूंथ लेना है, जैसे आप आटा गूंथते हो ना उसी तरीके से अच्छी तरह से मसल मसल के जो है इसको गूंथ लीजिए। जितना आप इसमें जान डाल सकते हो उतना डाल दीजिए, क्योंकि जितना ये अच्छी तरह से ये मतलब इसको अच्छी तरह से गूंधोगे ना उतना अच्छा जो है ये फटेगा नहीं, सूजी का जो गुलाब जामुन है वो फटेगा नहीं। तो ये देखिए, करीब मैं अभी 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिला लेती हूँ। और इसका ना अभी मैं छोटा छोटा जो है बॉल्स बना लेती हूँ। आप जितना जितना बड़ा छोटा जैसे आप शेप देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं नींबू के साइज का जो है बॉल्स बना रही थी और कुछ तो मैं लंबे वाले जो है वो भी मैं बना रही थी।
तो इसी टाइम ना आप जब गूंथते हो अच्छी तरह से, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर जो है डाल सकते हो, इससे जो है और इसका खुशबू अच्छा आएगा। तो मेरे पास अभी इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने जो है नहीं डाला है, बस ऐसे ही मैं सिंपल इसी तरीके से इसको गूंथ ली हूँ और इसको बॉल्स में अभी बना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन का जो शेप होता है गोल होता है, थोड़ा सा लंबे टाइप के होते हैं, जैसे भी आप शेप देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं इस तरीके से अभी सारे गुलाब जामुन जो है बना लेती हूँ। और अभी मैंने गैस पे तवा भी बिठा दिया है, तवा में अभी मैं तेल डाल दी हूँ थोड़ा सा उसको गर्म होने के लिए, और उसको अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद जो है मैं सारे गुलाब जामुन को तल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, इतना सारे मतलब अभी मैंने कम बनाया है और धीरे धीरे जब तक ये पकेगा तो और भी गुलाब जामुन मैं बना लूँगी। और ये यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, ये बिल्कुल भी फटा नहीं है क्योंकि मैं इसको ना बहुत अच्छी तरह से मैंने गूँधा हुआ है, तो इसी वजह से ये फटा नहीं है। तो इसको मैं डाल के और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम ही रखना है, इसको ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। ज़्यादा तेज़ अगर आप गैस रखते हो तो ये ऊपर ऊपर से तो पक जाएगा पर नीचे से जो है नहीं पकेगा, तो बस मीडियम पे ही मैंने रखा हुआ है। और इसी तरीके से मैं तल लेती हूँ धीरे धीरे करके, और इसको एक मतलब जल्दी जो है इसको पलटना नहीं है, थोड़ी देर बाद ही पलटना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर बाद ही पलटा हुआ है, तो अभी ये आधा पक गया है और इसको जो है अभी ये पकेगा लगभग और इसको 10 मिनट तक अभी जो है मैं पकाती हूँ। तो बस आप इस तरीके से करके एक बार गुलाब जामुन जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। बाज़ार जैसा तो नहीं पर हाँ बाज़ार जैसा जो है लगता ही है, मतलब आप ट्राई कीजिएगा एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे गुलाब जामुन जो है बन चुके थे, अभी मैं इसको निकाल ली थी और सीधे निकाल के जो है मैं इस पतीले में चाशनी के जो पतीला है इसमें मैं डाल देती हूँ। और इसको डाल के अभी गर्म थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको गर्म किया दोबारा, और इसको डाल के लगभग 10 मिनट में छोड़ूंगी, 10 मिनट से ज़्यादा जो है नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो ये जो है फिर सूजी के है ना तो सूजी में इसमें चाशनी जो है सोख लेगा, इसी वजह से मैं 10 मिनट तक ही इसको जो है रखती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए ये हमारे गुलाब जामुन जो है बन चुके हैं और ये लोग अभी जो है डुगू को पसंद नहीं आ रहा है गुलाब जामुन। तुमको क्या खाया, पसंद आया, खा के देखो कैसा लग रहा है, आयुष खाया है थोड़ा सा, दे तुमको खाएगा क्यों, खा लो थोड़ा एक ठो, तो मैं भी खा लेती हूँ। एक दो तीन चार चार लो एक ठो खाओ, खाएगा हाँ। उसके बाद जो है यहाँ पे अभी ये देखिए रात का टाइम हो रहा था तो अभी रात का अभी मैं बना ली थी डिनर, तो रात के डिनर में अभी मैं क्या बना रही हूँ ना, भिंडी कट कर लेती हूँ। तो भिंडी और इसमें मैं आलू मिक्स करूँगी, तो बड़ा बड़ा भिंडी को जो है मैं कट कर लेती हूँ और भिंडी आलू की जो है सब्जी बनाऊँगी सिंपल वाली। तो आलू भिंडी की सब्ज़ी तो बहुत तरह के बनता है पर मैं सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक बार मैं भिंडी में मसाले भर के जो है अभी उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए मैं बना लेती हूँ रोटी, सब्जी बन चुका था और सब्ज़ी अभी गोलू को पसंद नहीं आया तो अभी ये क्या किया है ना मैगी बना रहा है, मैगी के साथ जो है रोटी खा लेगा, पर भिंडी का सब्जी जो है पसंद नहीं आया इसको। और भिंडी की भुंजिया पसंद आ जाता है पर सब्जी पसंद तो नहीं कुछ आता, कुछ ऐसे ही रहता है सब्जी के पीछे बच्चों के पीछे, मतलब ये नहीं खाएंगे ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, तो कुछ ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।